हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पूनम आप सब का मेरे झारखंड के टेरेस गार्डन में फिर एक बार स्वागत करती हूँ। आज 1 फरवरी है और आज बहुत लेट हो गया मुझे गार्डन में आने के लिए, और कुछ प्लांटों का पटावन की हूँ और कुछ कुछ का अभी तक पटावन नहीं की हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ आप सब को मेरे जितने भी बेबी प्लांट है जो मैं लगाई थी, कितने निकले हैं और कितने नहीं निकले हैं, सभी को दिखाती हूँ। आज हार्वेस्ट नहीं दिखा रही हूँ, चलिए बैक कैमरा से देख लीजिए। हार्वेस्ट तो करना है, दिखाऊंगी क्या क्या करना है, नहीं हो पाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए बैक कैमरा से देख लीजिए। सबसे पहले तो आप सबों को याद है यहाँ पर मैं लगाई थी फरस बीन का प्लांट। देखिए ये वाला पुराना प्लांट है, इसमें अब देखिए कली और कुछ कुछ में फूल भी खिलने लग गए हैं। देखिए इसमें भी है, लेकिन इस साइड में देखिए ये सब मेरा नए वाला प्लांट है। अभी तक तो सभी प्लांट हेल्दी ही चल रहा है, और प्याज का भी पटावन नहीं की हूँ। आप सब हमको दिखाती हूँ ये कंद कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये देखिए अंदर का, देखिए यहाँ पर अब बड़े कुछ दिनों में और भी अच्छी तरह से कंद दिखने लग जाएगा सभी के सभी कंटेनर में। और दिखाती हूँ, देखिए मैं पटावन नहीं की हूँ तो कुमलने लग गया है। ये सेम का पौधा है, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। यहाँ बगल में भी जीवित था, लेकिन मुझे लग रहा है फंगस लग गया, और मुझे इसमें भी शक है, इसमें भी फंगस लग गया है। देखती हूँ फंगसाइड पाउडर पानी में डाल के पटावन करके देखूंगी। बहुत सारे और भी प्लांट देखिए यहाँ पर, इसमें भी वही हो रहा है, मुझे लगता है जीवित नहीं रह पाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत ही जल्दी से ग्रोथ कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर 2-3 प्लांट बीन्स का ही पुराना वाला प्लांट है, इसमें भी कली आ गई है। देखिए और देखिए पहली बार का टमाटर का पौधा तो अच्छी तरह से नहीं हुआ था, लेकिन इस बार का देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। लेकिन मैं जितना लगाई थी उससे कम ही है, लेकिन इतना काफ़ी हो जाएगा मेरे गार्डन के लिए। और देखिए बैंगन तो है हार्वेस्ट के लिए, लेकिन आज नहीं करती हूँ। और टमाटर को भी दिखाती हूँ, देखिए कल तक और भी अच्छी तरह से रेड हो जाएगा। मेरे नीचे के गार्डन का भी हार्वेस्ट के लायक है बहुत सारे टमाटर, नहीं कर पाई हूँ। और देखिए यहाँ पर जो बेल लतर वाला सेम लगाई थी ये भी अब ग्रोथ करने लग गया है, लेकिन इसका बेल अभी कम ही होगा क्योंकि बारिश के समय इसका बेल बहुत ही अच्छी तरह से होता है, लेकिन अभी गर्मी चढ़ गई है और ठंड का मौसम भी कुछ कुछ है। और यहाँ पर एक कंटेनर में प्याज है, और देखिए वो वहाँ पर 2 कंटेनर में प्याज है। और यहाँ पर देखिए लोबिया को भी दिखाती हूँ, लोबिया के प्लांट भी मेरा ग्रोथ करने लगा है, ये बेल वाला लोबिया है। देखिए देखिए यहाँ पर भी फंगस वंगस लग गया है, देखिए दिखाती हूँ आपको, फंगस इसमें वाइट वाइट सा नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर मिर्च लगाई हूँ, अभी किसी भी प्लांट का पटावन नहीं की हूँ इसलिए कुमलने सा दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर इस कोने में मेरा लौकी का प्लांट है, यहाँ पहले वाला लौकी है और बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करने लगा है। इसे मुझे शिफ्ट करना है, जल्द ही शिफ्ट करूँगी। और देखिए मेरा चाइना जो पहले लगाई थी वो भी कितना हरा भरा सा हो गया है।
देखिए, और यहाँ पर बाद में जो चाइना लगाई वो है, और यहाँ पर गवार फली, भिंडी और ककड़ी लगाई हूँ, ककड़ी का बीज, और यहाँ पे कोमड़ा भी है, पता नहीं लौकी भी होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इसे मैं नीचे लूँगी सोची, लेकिन अभी तक ले नहीं पाई हूँ। और ये कुछ टमाटर भी है यहाँ पर, इसको भी शिफ्ट करना है। और यहाँ पर दो टमाटर बड़े हो गए हैं पौधे, और ये जो मैं पहले लगाई थी उसमें का तो अभी तक ग्रोथ नहीं है, लेकिन देखिए ये वाला मैं शायद तरबूज लगाई थी जिसे मैं खाई थी, तो एक दो इसमें दिख तो रहा है, ये तरबूज ही है या क्या, देखती हूँ जब ये अंकुर करेगा तो कम से कम एक आध पौधे बनते तो इसका फल कैसे होता देख पाती थी। और यहाँ पर मिर्च लगाई थी लेकिन अभी तक इसका ग्रोथ नहीं हुआ है, भी अंकुरित नहीं हुआ है। और चलिए दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं भाजी लगाई थी, वो भी कुछ कुछ तो ग्रोथ करने लगा है, देखिए आपको दिख रहा होगा किस तरह से होता है। ग्रीन वाला बोल के मैं लेके आई थी, लेकिन अब कुछ दिनों में पता चलेगा। और देखिए मेरा टमाटर, पत्ते तो सूखने लग गए हैं क्योंकि अब लास्ट हो गया है, इसीलिए कुछ दिन मुझे टमाटर के लिए रुकना होगा, नहीं मेरे नीचे के गार्डन में तो है, वह हो जाएगा मेरे लिए। और यहाँ पर लहसुन है, लहसुन का भी तना तो बहुत ही अच्छी तरह से है, मोटा मोटा सा कंटेनर के हिसाब में। पानी देखिए, ये पहले पुरान बाद में लगाई थी वो प्याज है, और इस साइड में पहले का तो अच्छी तरह से है। और मेरा यहाँ का भी बैगन हार्वेस्ट के लायक है, और कुछ मेरा कश्मीरी मिर्च भी, सॉरी शिमला मिर्च भी देखिए है, लेकिन अब गर्मी बहुत छत में तो होती है इसीलिए ग्रोथ कम हो गया है। और बाकी यहाँ पर देखिए सभी के सभी खाली है, अब लगाई हूँ टमाटर वगैरह तो उसे ही शिफ्ट कर दूँगी। और देखिए यहाँ पर प्याज जो बीज के लिए लगाई थी कुछ सभी में कली आने लग गए हैं, देखिए अभी मैं पटावन करती हूँ क्योंकि लेट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप सबों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो भी नए हैं रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिएगा। आप सबों को मेरे गार्डन के बारे में देखने के लिए मिलेगा। और मेरे एक मेरी दीदी ने कमेंट्स किया था कि टमाटर के पौधे में मेरे फूल पीले होके झड़ रहे हैं, तो मैं उसे सभी को बताना चाहती हूँ कि पानी ज़्यादा हम डालते हैं तो पानी की वजह से भी पीले होके पत्ते झड़ जाते हैं, नहीं तो उसके जड़ में फंगस लग जाता है। मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ, मेरे पौधों को भी फंगस वगैरह लग गया था। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, नमस्कार।